हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित विनायक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की गाड़ी पेश करने जा रहा हूँ। इस गाड़ी की वीडियो मैंने आज तक अपनी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नहीं बनाई, एंड मैंने ये भी देखा है इस गाड़ी की वैसे भी बहुत कम वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पे। स्कॉर्पियो गेट अवे आप लोगों के सामने 0.5x करके मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि नॉर्मल अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये गाड़ी फ्रेम में ही पूरी नहीं आ रही। फोर डोर गाड़ी है, उसके बाद इतना बड़ा ये ट्राला सा लगा हुआ है। मैं तो ट्राला ही कहूँगा, इंग्लिश में इसको जो कहते हैं वो लोग आप लोग देख लेना क्या कहते हैं, बट मेरे को तो ये ट्राला सा ही लगता है, बंदे बुंदे लदने के लिए या सामान लदने के लिए। पीछे से एक बार इस गाड़ी को देखें। सबसे अच्छी चीज़ ये देखो, सेंसर्स, शुक्र है सेंसर्स दिए हुए हैं। वैसे महिंद्रा काम काफ़ी अच्छा करता है, 4 सेंसर इस गाड़ी में दिए हुए हैं। उसके बाद अगर मैं देखूँ गाड़ी को इस साइड से, तो कुछ ऐसी दिखती है। इसमें अलॉयज कुछ ऐसे आते हैं, ये देख सकते हो आप, बड़े बड़े टायर। और सबसे अच्छी चीज जो इस गाड़ी पे 4 चांद लगा रहा है वो है इसका कलर, ग्रीन मिलिट्री कलर। इससे इस गाड़ी का रोब और रुतबा और ही बढ़ के निकल रहा है। फ्रंट से ऐसी कुछ दिखती है, बिल्कुल सेम स्कॉर्पियो जैसी। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक और चीज़ इस गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखो कितना देसी टाइप का फुट रेस्ट सा लगा रखा है, जिस पे चढ़ के आप इस गाड़ी में बैठ सकते हो। ये ऐसी चीज़ अगर आप सोफिस्टिकेटेड गाड़ी में लगा दोगे ना, तो उस पर सूट नहीं करेगा, पर इस पर सूट कर रहा है। लोहा देखो, निरा लोहा। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये गाड़ी 4 डोर्स के साथ तो आती है, ये गाड़ी में 2 डोर्स की वेरियंट वाला ऑप्शन भी है, और उसके साथ साथ 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है। अब मैं इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को कुछ और बताता हूँ। ये वाला जो वेरिएंट है, ये रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है, और ये गाड़ी आती है, इतनी बड़ी गाड़ी हम ये कह नहीं सकते कि ये पेट्रोल में आती होगी, ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ डीजल में आती है। सामने से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस गाड़ी के सामने से लुक हूबहू स्कॉर्पियो की तरह ही दिखेंगे, बट मेन चीज़ है, अगर किसी ने कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस गाड़ी को लेना है, तो वो बंदा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, वहाँ पे कॉल करके इस गाड़ी को अपना बना सकता है। बेसिक डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूँ, 2017 रजिस्टर्ड, 2018 मॉडल है ये गाड़ी, सेकेंड ऑनर है, 6,75,000 इसकी डिमांड है, और स्लाइटली नेगोशियबल रहेगा, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में हमारे पास खड़ी हुई है। अब एक बार ना इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाता हूँ भाई क्या सिस्टम है। मैं सही बताऊँ, मैंने भी इस गाड़ी के बारे में बिल्कुल भी देखा नहीं है और पढ़ा भी नहीं है कि क्या होता है इस गाड़ी में। जो होगा वैसे ही बता दूंगा, अगर वीडियो में मीन्स रॉ रखूंगा, अगर वीडियो में गलती गुलती हो जाए तो फिर बोलना मत भाई, मीन्स रेक्टिफाई कर देना। चलो गाड़ी के अंदर बैठ गए भाई, धूप बहुत तकड़ी हो गया। वैसे भी आप लोगों को पता कि स्कॉर्पियो की जो महिंद्रा क्लासिक है ये उस पर बेस्ड है, तो उसका तो इंटीरियर कुछ खास है नहीं। वैसे मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है, बहुत बुरी धूप पड़ रही है। पावर विंडोज कहाँ पे हैं, यहाँ पे ऑन कर लें एक बार। ऐसा कुछ इसका मीटर दिखता है, इसको शीशा डाउन कर लिया, वो शीशा भी डाउन कर लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं बता दूँ, चारों पावर विंडोज यहाँ दी हुई हैं, को पैसेंजर और ड्राइवर के आर्म रेस्ट अलग अलग हैं, वो ऐसे दिए हुए हैं। देखो कितना टफ है, पहले आर्म रेस्ट के यहाँ से हाथ निकल के आता है, फिर पावर विंडोज अप डाउन होती हैं। ये नहीं पता कि 4-4 ग्लास होल्डर्स क्यों दिए हुए हैं, अगर एक ड्राइवर और एक आगे को पैसेंजर बैठा है तो वो दो ही एक एक ही गिलास रखेंगे ना, दूसरा गिलास पता नहीं किस पर्पज़ के लिए दिया, वो मेरे को समझ नहीं आया। ये स्क्रीन बाहर से लगवा रखी है टच वाली, बट बढ़िया है, फंक्शन इसके ओके हैं, एंड्रॉयड है, एप्पल कारप्ले, सारा कुछ इसमें वायरलेस ही चलता है। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो मैनुअल एसी, और उसके नीचे ये एसी बिल्कुल लो करने का बटन और एसी बिल्कुल हाई करने का बटन। उसके बाद बिल्कुल नीचे ये देखो, इस गाड़ी में भी स्टार्ट स्टॉप फंक्शन आता है। और इसमें मैं क्या फंक्शन दिखाऊं, जो ORVM है, ORVM तो सॉरी बार वाले हो गए, ये तो भाई यहाँ से एडजस्ट होते हैं, लेफ्ट राइट वाला, ठीक है। जो ये अंदर वाला IRVM है, ये मैनुअल एडजस्ट होता है। उसके बाद ये देख सकते हो इतना बड़ा सनग्लास होल्डर, चाहे कुछ और भी आप इसमें रख सकते हो। ये लाइटें देख लो, ट्रक जैसी लाइटें लगी हुई हैं इसमें, है नीली, मेरे को पीली पर्सनली पसंद है, ये नीली बिल्कुल भी नहीं पसंद।
गंदी लगती है, उल्टी जैसे आने को हो जाता है ऐसी गंदी लाइट देखे। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर आता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। इस गाड़ी में मजबूती और बाहर की लुक को छोड़ के इंटीरियर में आपको स्पेसिफिक कुछ खास नज़र नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है, और यहाँ पे ये देख सकते हो इतनी क्या सामान रखने की जगह। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर आता है, इसके साइड भी यहाँ पे एक स्पीकर आता है। ट्विटर ट्विटर तो भाई इसमें नहीं आते, मैं आपको बताऊँ। पीछे भी एसी वेंट्स कुछ ऐसे दिए होते हैं। अभी हम पिछली सीट्स पे जाएंगे, फिर मैं वहाँ से आप लोगों को बताऊँगा कि ये गाड़ी में पिछली सीटिंग कैसी है और पीछे से आगे का व्यू कैसा आता है। आगे के अगली सीट से तो ये देखो, अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं तो आगे का व्यू ऐसे आता है, प्रॉपर बोनट दिखता है, सब कुछ आगे से एन खुला खुला दिखता है। गाड़ी चलाने में वैसे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। अब एक बार ना इसकी पिछली सीट्स पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। जैसे अगली सीट तो मेरे अकॉर्डिंगली ही सेट हुई हुई है, पिछली सीट्स पे चलते हैं। ओ यार ये क्या है, बिल्कुल ही नया सा अजूबा, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। सबसे मेन चीज़ जो मेरे को देखते ही समझ आ गई, इसकी बारियों में मीन्स दो दरवाजे हैं, उन पे स्पीकर्स नहीं दिए हुए। उसके स्पीकर्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये तो सीधे कानों में बजेंगे। मेरे को लगता है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए। एसी वेंट्स आते हैं यहाँ पे, अच्छी चीज़ है। ऐसा कुछ है भाई इसकी सीटिंग। हेडरूम तो बहुत ही ज़्यादा है, जो रिक्लाइन एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। किसी बंदे ने थोड़ा टेढ़ा सा होके बैठना हो कितनी मुश्किल होएगी उसको। लेग रूम, थाई स्पेस की पहले बात करते हैं। थाई स्पेस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेग रूम थोड़ा कम है। तो ओवरऑल मैं ये बताऊं कि अगर बहुत लॉन्ग ड्राइव इस गाड़ी में कर रहे हो ना, तो भाई एक तो ये गाड़ी झूलेगी जरूर, और उसके यार खांसी आ रही है, और उसके साथ साथ क्लेस्ट्रोफोबिक नहीं होता, मीन्स जो सांस घुटना सा होता है, वैसा फील होएगा इसके पीछे बैठ के। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है। बीच में बम्प तो कोई नहीं है, वैसे बीच में मीन्स तीन बंदे पीछे बैठ सकते हैं खुले होकर, क्योंकि गाड़ी चौड़ी है। बट जो इसका रिक्लाइन एंगल है ना, बहुत ही बुरे टाइप का लग रहा है। तुम सीधे सीधे बैठ के जाओगे, एक टाइम पे तो तुम्हारी पीठ भी थक जाएगी, मेरे को ऐसा कुछ फील आ रहा है। हाँ अगर मैं बैठने को छोड़ के वैसे देखूँ, तो वैसे ये गाड़ी थोड़ी एरी एरी सी भी फील होएगी, क्योंकि आगे से देखो ऐसे आपको काफ़ी खुली खुली नज़र आएगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस पिछली सीट्स का ओके ओके ही रहेगा। मैं इसको अगर 5 स्टार में से दूं तो सिर्फ 3 स्टार्स ही दूंगा कंफर्ट में, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं। चलो अब गाइज एक बार ना गाड़ी के बाहर निकलते हैं, और ना अब इसके इंजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यार इसमें ना 2200 cc का इंजन आता है, वही एम हॉक जो है, जो 180 bhp और मेरे ख्याल से 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक चीज़ मैं गलत बता गया, 180 bhp नहीं आई, ये मैंने अभी पढ़ा है कि 120 bhp ही प्रोड्यूस करता है। तो सेम स्कॉर्पियो वाला इंजन है भाई, जो नॉर्मल स्कॉर्पियो में आता है, तो इंजन सेम ही रहने वाला है, वैसे ही पावर है। बस ये है कि गाड़ी की बाहर से लुक थोड़ी चेंज कर दी है, जिवें जिसने फुकरी फुकरी मारनी है या किसी को कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए, वो बंदा इससे ऐसे काम ले सकता है गाड़ी से। बाकी 180 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आता है, वो काफ़ी बढ़िया है, कहीं पे भी ले जाओ इस गाड़ी को, कुदाओ मजे करो, तो गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट।